नेट लिखिए आप लोग, फिर उसी तरह से जैसे आर एक्स एल्काइल हैलाइड पहला वाटर, सेकंड एल्कोहल, थर्ड AgF, फोर NaI आर्लिक एसिडोल, फिफ्थ MnCl, सिक्स AgCl, सेवन NaNO2, एट AgNO2। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, पहले आप लोग जनरेट कर रहे हैं और आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर हम बताते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इस पर ये लोग कह रहे कितना तय कर लो यहां से, इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव, दो मिनट के लिए एक को निगेटिव और एक को पॉजिटिव बना दो। अब देखो वो हुआ क्या, मुझे आर पॉजिटिव है, इसी पर ये अपना लोड कर दे रहे हो, बनेगा आर ओ एच एच पॉजिटिव, और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, फिर क्या बना देगा अल्कोहल। इसी प्रकार यहां लोग आर पॉजिटिव प्लस आर ओ एच, देखो यहां का सॉरी ये लोन को यहां टाइप करेगा, ये बनेगा आर ओ एच आर पॉजिटिव, फिर इधर से कर देंगे आर ओ आर, वैसे यहां देखो आर पॉजिटिव प्लस एच, इसी को जोड़ देंगे आर एच बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं सॉल्ट रिएक्शन। ये देखो अगर NaI आर्लिक एसिटोन ले लेंगे तो बन जाएगा आर प्लस आई निगेटिव आर आई, इसको एनसीईआरटी में हाइड्रोजन एक्सचेंजर बोलते हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंजेशन या फिर केमिकल स्क्रीन, केमिकल केमिकल स्क्रीन रिएक्शन। यहां देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, जब आर पॉजिटिव पे सीएम निगेटिव आर सी एम, ये सिंगल ले लोगे आर पॉजिटिव पे ये ऐसे जुड़ता है नाइट्रोजन से जाएगा आर एन सी, ऐसे देखो एन एन टू भी आर पॉजिटिव प्लस ओ निगेटिव एन आर ओ एन, इधर सिंगल में लो आर पॉजिटिव एन आर एन टू। अब इससे कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ कहना इधर भी आपको बता रहे हैं अच्छे से,
इसमें ऐसे देखिएगा, ये अल्काइल हैलाइड है, तो हाइड्रोजन जाना चाहेगा, तो अपने मन से इसको निकाल दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि हर कंडीशन एक्स को जाना ही है, तो पहले भेज दो ना, अगर वो जाना चाहता है पहले क्या करो उसको भेज दो, वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि हम आग की जगह क्या लिए हैं, ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, अपने ऊपर कि आर की जगह आप क्या लिए हो, ठीक, तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि आर की जगह हम क्या लेंगे, तो ऐसा अनुभव क्या लेंगे, तो ऐसा नहीं, अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, अभी हम बस ये फोकस कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट कैसे फार्मेशन करेंगे या प्रोडक्ट का कैसे जनरेशन होगा, तो ये अभी फिल्म मान के चले कि पॉजिटिव है तो ये वाटर है, तो आपको पड़े हुए टाइप ऑफ ये चाहिए, उसमें दो रीजन पड़े हुए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पहला बोले क्योंकि निगेटिव स्पीसीज, पहले देखो उसमें निगेटिव कहां है, ये निगेटिव स्पीसीज, उसमें भी तीन तरह के न्यूक्लियोफाइल पड़े, निगेटिव न्यूट्रल एन बाई डेड न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव न्यूट्रल एन बाई डेम न्यूक्लियोफाइल, कैसे निगेटिव न्यूट्रल एन बाई डेड न्यूक्लियोफाइल, यहां पर जो एनएससीएल है हमने कहा जब भी अगर ये मेटल से अटैच होगा तो कार्बन बॉन्ड बनेगा, यदि साइनाइड मेटल से अटैच हो कार्बन बॉन्ड बनेगा, मैंने वहां बताया था आपको रिएजेंट में जब एन बाई डेन रिएजेंट पड़ेगा, अगर वो सिल्वर के साथ अटैच है तो उसमें नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा, फिर सब सिंपल बात, यदि साइनाइड मेटल के साथ हो खासकर एस ब्लॉक, कौन सा मेटल एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक के साथ होगा समझ गया कौन बॉन्ड बनेगा साइनाइड, बट यदि वो सिल्वर के साथ है उस समय नाइट्रोजन बनाएगा, तो देखो अगर साइनाइड मेटल के साथ है आर सी अल्काइल साइनाइड बन गया, अगर वही सिल्वर के साथ है आइसो साइनाइड, बोलो साइनाइड आइसो साइनाइड, फिर जब इसका नाइट्रो, अगर यदि नाइट्रो कंपाउंड एस ब्लॉक के साथ, यदि नाइट्रो कंपाउंड एस ब्लॉक के मेटल के साथ हो, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन जोड़ दोगे, यदि वही नाइट्रो सिल्वर के साथ हो तो वहां पर आप नाइट्रोजन जोड़ दोगे, देखो मेटल के साथ है ऑक्सीजन जोड़ दोगे, सिल्वर के साथ नाइट्रोजन जोड़ दिया, मेटल के साथ है तो कार्बन जोड़ दिया, सिल्वर है तो नाइट्रोजन जोड़ दिया, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर से देखो आप लोग जिस तरह का प्रोडक्ट है वाटर सिलेक्शन करा देंगे, अब देखिए भाई ये आपका हाइड्रो अल्केन हो गया, ये आपका हाइड्रो अल्केन हो गया, प्रोडक्ट के हिसाब से देखो आप एल्कोहल बन गया, ईथर बन गया और फिर अल्काइल हैलाइड, फिर अल्काइल हैलाइड, फिर साइनाइड आइसो साइनाइड, नाइट्रो नाइट्राइड, ठीक है, हम सभी चीजों से कितने का फॉर्मेशन कर सकते हो, अच्छा अगर आपको रिडक्शन पढ़ाए हैं देखो आप तो इसका रिडक्शन कराओगे अमीन बन जाएगा, किसी का हाइड्रोलाइसिस करा दोगे एसिड बन जाएगा, तो उसे छोड़ दोगे, इसका रिडक्शन करा दोगे, नाइट्रो का रिडक्शन कराओगे अमीन बन जाएगा, तो अगर आप चाहोगे इसका रिडक्शन भी करा सकते हो, तो इस प्रोडक्ट से एक स्टेप और आगे जा सकते, एक आगे और स्टेप जाओगे एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा तीन चैप्टर हो जाएगा एल्काइल हैलाइड एल्कोहल अमीन विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन, किसके हेल्प से, रिडक्शन के हेल्प से, देखो ये एनसीईआरटी का नाम देख लोगे लिखा होगा कि आप फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, इसके साथ भारी मेटल यूज करोगे, जैसे मरकरी हो गया जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, मरकरी सिल्वर ये सब भारी मास वाले होते हैं ना, उनको आप ले सकते हो,
सोडियम आयोडीन साथ एसीटोन के लिए, एसीटोन ही एक ऐसा है जिसमें आयोडीन डिजॉल्व होता है। एसीटोन ही एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें आयोडीन डिजॉल्व होता है, इसलिए अपने साथ सोडियम आयोडीन के साथ एसीटोन लेते हैं। नोट कर लो इसको।